आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती जादौन। दोस्तों, पिछली वीडियो क्लासेस में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में जान चुके हैं। इस क्लास में हम बात करेंगे कंटिन्यूअस टेंस की। जैसा कि टेंस पर जो पूरी वीडियो क्लास थी उसमें आपने स्टेट मार्कर्स और टाइम मार्कर्स के बारे में जानकारी प्राप्त की, कंटिन्यूअस टेंस में इसी तरह के स्टेट मार्कर्स जो होते हैं वो भी आपने जाने, जैसे रहा, रही, रहे। अगर ये शब्द आ रहे हैं तो ये पहचान है कंटिन्यूअस टेंस की। वैसे ये शब्द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आते हैं। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर है ये हम आगे की वीडियो क्लासेस में जानेंगे। अभी हम बात करते हैं कंटिन्यूअस टेंस की। इसका उपयोग हम तब करते हैं जब किसी भी एक निश्चित समय पर कोई भी काम चल रहा हो, कंटिन्यू हो, जारी हो। जैसे हमने कहा, इस समय मैं आपसे बात कर रही हूं, इस वक्त ये काम चल रहा है। पास्ट में भी किसी मोमेंट पर हो सकता है कोई काम चल रहा हो, यही स्थिति फ्यूचर टेंस में भी हो सकती है। तो कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हुई रहा, रही, रहे। और उसके बाद एक और शब्द आएगा जो कि टाइम की पहचान करवाएगा। अगर रहा, रही, रहे के बाद है, हूं, हो लगा है, मतलब ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर रहा, रही, रहे के बाद था, थी, थे आया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर इसके बाद होगा, होगी, होगी आता है तो ये होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से हम तीनों कंटिन्यूअस टेंसेस को अलग अलग पहचान सकते हैं। जैसा कि टेंसेस के बारे में बताते समय आपको थोड़ी सी जानकारी दी ही गई थी कंटिन्यूअस के बारे में भी, कि जिस तरह से हिंदी में इसकी एक पहचान है उसी तरह से अंग्रेजी में भी इसकी एक पहचान है। कंटिन्यूअस टेंसेस में हमेशा मेन वर्ब जो होती है वो आईएनजी फॉर्म में होती है, पर आपको ये बताया गया था कि केवल आईएनजी फॉर्म देखकर ये न समझ लें कि ये टेंस कंटिन्यूअस टेंस है। मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में होने के साथ ही साथ कंटिन्यूअस टेंस के लिए जरूरी होता है कि बी क्रिया का कोई भी एप्रोप्रिएट फॉर्म हो। अब देखिए, अगर प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों ही टेंसेस में हमने वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा दिया तो फिर हम पहचान कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म तो तीनों टेंसेस के लिए सेम ही होगा। अगर हमको कहना है मैं जा रही हूं और हमने बनाया अंग्रेजी में वाक्य आई गोइंग, पास्ट में अगर कहना है मैं जा रही थी और हमने कहा आई गोइंग, फ्यूचर में कहना है मैं जा रही होंगी और हमने कहा आई गोइंग, ये तो तीनों वाक्य एक सरी के हो गए। गोइंग तो तीनों ही टेंसेस में रहेगा, फिर हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है? इसके लिए हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब बी। प्रेजेंट हो तो बी का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट हो तो बी का सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर हो तो बी को हम विल के साथ लगाते हैं। विल आएगा, बी आएगा और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए स्ट्रक्चर हुआ सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद बी हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी इज, एम या आर।
सब्जेक्ट के हिसाब से आपको देखना है इज, एम या आर, जिसकी भी जरूरत हो वो हेल्पिंग वर्ब लगाएं। उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएं और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसा कि हर सेंटेंस में होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस अलग अलग जगह पर उपयोग में आ सकता है, जिसमें से सबसे पहला और कॉमन इसका जो यूज है वो है जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, यानी बोलते वक्त जो घटनाएं हमारे आसपास घट रही हैं उनको बताने के लिए। जैसे मैंने एक वाक्य बनाया था, इस समय मैं आपसे बात कर रही हूं। अंग्रेजी में यह होगा आई एम टॉकिंग टू यू एट द मोमेंट। एट प्रेजेंट आई एम टीचिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ। दे आर वर्किंग नाउ। अब इन सारे सेंटेंसेस में देखिए, हमने कुछ टाइम एलिमेंट्स सेंटेंस में जोड़े हैं, जैसे एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, राइट नाउ या नाउ। ये सारे जो टाइम एलिमेंट्स हैं ये सिग्नल वर्ड्स की तरह काम करते हैं। इन सिग्नल वर्ड्स को देख करके आप ये समझ सकते हैं कि काम जब हम कोई बात बोल रहे हैं उसी समय हो रहा है, यानी बोलते वक्त वो घटना घट रही है। तो सबसे ज्यादा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज जो हम करते हैं वो इसी प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए करते हैं। दूसरा इसका जो यूज है वो ऐसी घटनाओं के बारे में बात करने के लिए है जो कंटिन्यूअसली हो तो रही है, पर जरूरी नहीं कि वो उसी समय घट रही हो जिस समय हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां पर आपके पड़ोसी का लड़का बैठा हुआ है, पिज्जा खा रहा है। आपने उससे पूछा, और भाई नीलेश क्या चल रहा है आजकल? उसने कहा, आजकल मैं पीएमटी की तैयारी कर रहा हूं। अब देखिए, जिस समय ये बात चल रही है उस समय नीलेश पिज्जा खा रहा है, और जो प्रश्न हमने किया था आजकल क्या चल रहा है, उसका जवाब उसने दिया, आजकल मैं पीएमटी की तैयारी कर रहा हूं। यानी ये जो उसकी तैयारी है वो लगातार चल रही है, ये काम हो रहा है, पर उस वक्त नहीं जिस समय आपने सवाल पूछा। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमारे आसपास घट रही हैं, पर जरूरी नहीं उसी वक्त घट रही हो जब हम उनकी बात कर रहे हैं। कुछ और उदाहरण हम देखते हैं, जैसे The temperature of the earth is increasing day by day. धरती का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अब ये हो रहा है, पर उस वक्त नहीं जिस वक्त मैंने ये सेंटेंस बनाया। Pollution is increasing these days. इन दिनों प्रदूषण बढ़ रहा है। Slowly and gradually ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग। धीरे धीरे करके ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ये घटना कंटिन्यूअसली चल रही है, पर ये इतनी धीमी है कि ये हमको एकदम से दिखाई नहीं देती है। ऐसा नहीं होगा कि आपने बोला ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और सारे ग्लेशियर्स पिघल पड़े, ये इस तरह की घटना नहीं है। और हम एक उदाहरण देखते हैं। Nowadays, He is preparing for medical exams. आजकल वो medical exam की तैयारी कर रहा है। ये सारे जो sentences हैं, इनमें भी आपने ध्यान दिया होगा कि हमने time elements का उपयोग किया है, और ये जो time element हैं, ये फिर signal words की तरह काम करेंगे। ऐसी घटनाएं जो धीरे धीरे हो रही हैं, दिन प्रतिदिन हो रही हैं,
उनके लिए जो सिग्नल वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं वो है डे बाय डे, नाउअडेज, दीज डेज इत्यादि। इसी तरह प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक और उपयोग है और वो है निकट भविष्य में निर्धारित योजनाओं के बारे में, कार्यों के बारे में बात करने के लिए। ऐसे तो हम भविष्य के बारे में जब भी बात करते हैं तो फ्यूचर टेंस का उपयोग करते हैं, पर जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में जाना, फ्यूचर में घटने वाली जो भी घटनाएं हैं उनके लिए जरूरी नहीं कि हम हमेशा फ्यूचर टेंस का ही उपयोग करें। हमारे कुछ प्लान्स हैं भविष्य के लिए, हमने सोच के रखा है कि ये काम हमको करना है या ये काम हम करने वाले हैं, ऐसी घटनाओं को बताने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का उपयोग भी बहुत अच्छे से किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा, आज शाम को मैं एक फिल्म देखने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू सी अ मूवी दिस इवनिंग। न तो ये घटना अभी घट रही है और न ही ये घटना थोड़े समय से घटती चली आ रही है। कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, यानी कल वो दिल्ली जा रहा है। दे आर मैरिंग नेक्स्ट वीक, यानी वो अगले सप्ताह शादी कर रहे हैं। अब अगले सप्ताह उनकी शादी प्लान्ड है, तो ये हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बोला है। अब देखिए, ये जो हमने वाक्य बनाए हैं इनमें भी सिग्नल वर्ड्स आ रहे हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का उपयोग जब भी हम भविष्य की घटनाओं के लिए करेंगे तब टाइम एलिमेंट लगाना बहुत जरूरी है। टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, दिस इवनिंग, टुनाइट, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंथ, ये वर्ड्स हम लगाएंगे तभी प्रेजेंट कंटीन्यूअस को भविष्य के लिए हम यूज कर पाएंगे। अगर हमने यहां पर इन सिग्नल वर्ड्स का या टाइम एलिमेंट का उपयोग नहीं किया तो फिर ये सारी घटनाएं अभी की हो जाएंगी। जैसे इन्हीं में से हम एक उदाहरण लेते हैं। हमने सेंटेंस बनाया था ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, अब इसमें से टुमारो हटा दीजिए तो सेंटेंस बचा ही इज गोइंग टू दिल्ली। अब इसका अर्थ क्या निकलेगा कि वो दिल्ली जा रहा है। इस सेंटेंस को सुनकर के ये लगता है कि वो अभी दिल्ली जा रहा है। इसलिए जब भी आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस का उपयोग भविष्य के लिए करना चाहते हैं तो टाइम एलिमेंट जरूर लगाएं। इसके अलावा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक और खूबसूरत सा उपयोग है जो कि आदतन बात को बताने के लिए उपयोग में किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आदतन अगर कोई हम काम करते हैं तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही, पर ऐसी आदतें जो कि थोड़ी सी इरिटेटिंग है, जिसके लिए हम किसी को भी कई बार टोक चुके हैं, चेतावनी दे चुके हैं कि वो ऐसा ना करे, उसके बावजूद अगर वो उन चीजों को करना जारी रखता है तो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम कंटीन्यूअस में बना सकते हैं, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बना सकते हैं। पर ऐसे सेंटेंसेस में फिर खास तौर पर ऑलवेज या कंटीन्यूअसली या कॉन्स्टेंटली इस तरह के शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कंप्लेन करता है, हम उसको कई बार बोल चुके हैं कि भाई कंप्लेन मत किया कर, पर फिर भी उसका कंप्लेन करना जारी रहता है, तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ऑलवेज का उपयोग करके बना सकते हैं। हम कहेंगे ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। क्लास में कोई स्टूडेंट है जो हमेशा बात करता रहता है, टीचर्स उसको रोक टोक कर परेशान हो गए हैं पर वो बात करना बंद नहीं करता, तो यहां पर सेंटेंस बनेगा ही इज ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लास। आप अपने नेबर्स से परेशान हैं कि वो बहुत जोर से म्यूजिक बजाते हैं, ये सेंटेंस हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इस तरह से बना सकते हैं, माय नेबर्स आर ऑलवेज प्लेइंग म्यूजिक सो लाउडली। तो अब आदत की बात हो तो भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस यूज किया जा सकता है,
निकट भविष्य की योजना की बात हो तो भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का उपयोग किया जा सकता है, और जो अभी चल रहा है उसके लिए तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस यूज करते ही हैं। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अलग अलग उपयोग हुए। तो इस वीडियो में हमने जाना कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके उपयोग क्या है। हमने अभी प्रेजेंट कंटीन्यूअस के केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना के देखे हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में कैसे बदलें, और साथ ही कंटीन्यूअस टेंस से जुड़ी हुई कुछ और खास बातों की जानकारी अगले वीडियो में। तो आप कीजिए अगले वीडियो का इंतजार, और तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हो तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब पर आओ सीखो को सब्सक्राइब करें। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो या तो यूट्यूब पर या हमारी वेबसाइट aosikho.com पर जाकर कमेंट्स में पूछें।